चल छोटी, चल बड़ी। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ये ले पकड़। सपना में छोटी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बार बार बची क्यों छोटी, थक गई? चल चल ड्रामे मत कर, चीटर कॉक कहीं की, पकड़ इसको। तुम तीनों ने कसम खाई है ना, इसी तरह लेट आओगे, इस तरह नाम रोशन करोगे तुम हमारे स्कूल का। मैम वो मेरे पापा आज बीमार था और वो बकरी के दूध मुझे निकलवाना पड़ा और घर में मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अच्छा बेटा ऐसा है, तो तुम एक काम करो, तुम क्लासरूम में जाओ जाओ जाओ। ये सही आइडिया है, मैं भी किसी को बीमार कर देता हूँ। मैम मेरी ना सांड बीमार हो गई थी और पापा ने दूध नहीं दिया। अरे मैम मेरा मतलब मेरे पापा आज बीमार थे और मैं सांड का दूध निकालने के चक्कर में लेट हो गया। अच्छा बेटा, पहली बात तो दूध गाय देती है, सांड नहीं। खा खा के सांड हो गया है तू, चल तेरा दूध तो मैं निकालूंगी, चल मेरे साथ। सही है, इनके सांड और बकरी के चक्कर में मैम मुझे भूल ही गई, मैं अंदर चलती हूँ। ले बड़ी अपना सड़ियल सा बैग। चुईया तुझे तो मैं देख लूंगी। चलो अब सभी बच्चे चुपचाप प्रेयर करेंगे, ओके? नौजवानों अब मैं तुम्हारी ड्रेस चेकिंग करती हूँ। तू भाई शतुरमुर्ग की शक्ल के, तूने अपनी जुल्फे नहीं कटवाई ना? अगर कल तूने अपने बाल नहीं कटवाए 1000 रुपए फाइन लेकर आई हो, ठीक है? चल क्लास में। कोई है क्या अंदर? हाँ मैम गैस है इसमें, मैंने वो 10 मिनट से खाना नहीं खाया ना तो गैस बन गई है। अब ये सारी गैस तू जाके क्लास में निकालेगा। आपको कैसे पता? गंदा, चल क्लास में। जा रहा हूँ। ये है मेरा सीनियर स्टूडेंट, बेटा तुम्हारी ड्रेस चेकिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, जाओ क्लास में। थैंक यू मैम, थैंक यू। शाबाश, शाबाश।
नो कमेंट, जाओ क्लास में। आओ मेरे शकीरे लड़कियां, अब तुम्हारी बारी। पार्टी में आई हो क्या? इतने लाले लिपस्टिक क्यों की हुई है? और ये अपनी बूसेट क्यों बाहर की हुई है? अंदर करो, अंदर करो उसे। ओह माँ, क्या? आ चल क्लास में। नॉटी, नलायक। बेटा ये चूड़ियां क्यों पहनी हुई है? शादी में जा रही हो? और कुछ खाती पीती हो या नहीं? सूख के लकड़ी हो गई हो। मैम घर वाले तो खाना पीना देते हैं, बट मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मैं आजकल डाइट पे हूँ। बेटा डाइट वाइट कुछ नहीं होती आजकल, मोटी लड़कियों को ही सिर्फ रिश्ते मिलते हैं। कुछ खाया पिया कर जम के, चल क्लास में आ जा। मैडम अदिति, कब से ढूंढ रही हो तुझको, कहाँ थी तू? आज भी लेट थी ना तू? इतनी बदबू, ब्रश नहीं करके आई ना तू? मैडम ब्रश कर आई हूँ, पर वो क्या है ना कि बहुत लेट हो रही थी स्कूल के लिए, इसे जल्दी जल्दी में ना गुल्ला करना भूल गई थी, तो इसलिए कोलगेट ना दांतों में चिपके है। सूगली, चल क्लास में। पूरी क्लास ही नलायक है, ऐसी नलायक क्लास मुझे ही देनी थी क्या? भगवान। हे भगवान, कैसे कचरी बेच रखी है, ऐसा लग रहा है मैं चिड़ियाघर में आ गई हूँ। अरे जानवर उठ जाओ, मैं आ गई हूँ क्लास में। नमस्ते मैम। ये देखो नमस्ते, नमस्ते क्यों बोल रहे हो? सरकारी स्कूल के बच्चे हो क्या? गुड मॉर्निंग बोलो। मैम हम ना भारत के नौजवान हैं, इसलिए हम आपको भारतीय रूप से नमस्ते कह रहे हैं। अच्छा तू खड़ा रहे, बाकी सब बैठ जाओ। थैंक यू मैम। बताओ जरा इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? स्टेट्स दो दिल्ली के उधर और दो मेरे घर के बीच, उत्तर। सात है टोटल मैम, टोटल सात है। सात, 28 स्टेट्स है, बाहर जाके मुर्गा बन जा। सॉरी मैम, अब मैं याद रखूंगा। सॉरी मैम, प्लीज माफ कर दो। सॉरी रख अपने पेट में और बाहर जाके मुर्गा बन। बेचारी मैम कितनी भोली है, उनको ये तक नहीं पता कि 29 स्टेट्स होती है। हाँ तो बच्चों, कोविड की वजह से तुम्हारी 1 वीक की छुट्टी पड़ गई थी। पढ़ाई वढ़ाई तो की होगी ना तुम लोगों ने घर पे? कैसे चल रही थी तुम लोगों की पढ़ाई? मैडम जी मैं बताती हूँ पढ़ाई कैसे चल रही थी घर में। न्यूज़ चल रही थी मैडम जी। अच्छा ऐसे चलते चलते बाहर जाके मुर्गी बन जा। मैं मुर्गी क्यों बनूं? आपने तो कहा था बताओ कैसे चलते, तो मैं बता ही तो रही थी। जा रही है, बताओ तुझे। जा रही जा रही। हाँ तो बच्चों, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है मेरे पास। कल हमारे स्कूल में एक फेयरवेल पार्टी होने वाली है, तो सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आना और जल्दी आना, क्योंकि सारी डेकोरेशन तुम्हें लोगों को संभालनी है। ठीक है? और सारे टीचर पे, क्लास के बच्चे अंदर और हम बाहर, ऐसे कैसे हो सकता है? चल चल के बैल बजा देते हैं रिसेस की। हाँ ये सही आइडिया है, सब बाहर आ जाएंगे और फिर हम अंदर चले जाएंगे। चल मोटे। यो देख मोटे, कोई आसपास है तो नहीं ना? नहीं छोटी कोई भी नहीं है, तू घंटी बजा दे फटाफट। ठीक है ठीक है। चल मोटे। अभी तो 10 बजे हैं, ये लंच की बेल किसने बजा दी? अदिति! छोड़ो कुत्ते, मुझे छोड़ो। अबे ओ नलायको डरपोको, इसका हाथ क्यों छोड़ दिया? पकड़ो इसका हाथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी पैंट पे चिंगम कैसे चिपकाई? अबे छोड़ो बे, अभी बताती हूँ कैसे चिपकाई। ऐसे तेरी तो छी।
फटी औरत आई बड़ी, जा बुला अपनी बड़ी बहन को। बड़ी 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 छोटी, मेरी छोटी को सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ। तुम्हें क्या लगा छोटी और मेरी लड़ाई हो गई तो तुम इसको धो सकते हो? आगे से ना ध्यान से पंगे ले लो मुझसे, मेरी बड़ी बहन अभी जिंदा है। चल बड़ी, चल छोटी, चल आओ ना, छेड़ो छेड़ो छेड़ो। वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ जल्दी। अरे तुम लोगों को पता है कल फेयरवेल है, तैयारी व्यारी करनी है कि नहीं करनी? फेयरवेल किसने बोला दिया आपको? सुबह सुबह नशे करने लग गई हो क्या? अरे जब तू बाहर बैठ के अंडे दे रही थी ना मुर्गी जब बनी हुई थी, तब मैम ने क्लास में बताया था कि कल फेयरवेल है फेयरवेल। अबे इसको कैसे पता? अबे तू भी तो मेरे साथ मुर्गा बन रहा था। अरे आप लोग वो कहावत नहीं सुने कि हाथी के कान बड़े होते हैं? अबे वो मुहावरा नहीं होता, मुहावरा कुछ और होता है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और। अबे बस करो, हाथी के दांत हाथी के कान। बड़ी जी क्या बोल रहे थे आप, बोलो। मैं ये कह रही थी कि कल फेयरवेल है, तुमने डिसाइड किया कि कल क्या पहन के आओगे? बड़ी पर मेरे पे तो कोई कपड़े ही नहीं है। काम करती हूँ, मम्मी को बोलती हूँ वो दिलाएंगे मुझे कपड़े। मम्मी से मांगेगी, मम्मी सोच जूते मारेंगी तुझे। एक काम करियो, मेरी कोई ड्रेस पहन लियो। ठीक है सही कह रही हो। अरे मैं तो अपने पापा की शादी के पांत और कोट पहन लूंगा। यार मगर मेरे साइज का तो कुछ मिलेगा नहीं। आइडिया, एक काम करूंगा टेंट का कपड़ा पहन के आ जाऊंगा, फिर स्मार्ट लगूंगा, प्रीति को इम्प्रेस करूंगा। यार मेरे पापा तो बैंड बाजे में काम करते हैं, मैं उनके कपड़े पहन के आ जाऊंगा। मैं भी अपनी मम्मी की नाइटी पहन के आऊंगी। और अपना तो सेट है कि क्या पहनना है। ओहो मेरे कबूतरों, क्या बात चल रही है? मैम हम आपके शादी की तैयारी की बात कर रहे थे। हैं? मेरा मतलब कि कल के फेयरवेल की तैयारी। अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड। एक बात का ध्यान रखना, फेयरवेल पे किसी भी टीचर के लिए गिफ्ट लाना मत भूलना, ठीक है? मैं अपनी बात नहीं कर रही, पर अगर तुम लोग ले आओगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी, ठीक है? बाकी टीचर्स तो बुरा मान जाती हैं बच्चों, पर मेरे लिए तुम्हारा मन करे तो ले आना, ठीक है? चलो तुम बातें कंटिन्यू करो, मेरे को बहुत काम है, मैं चलती हूँ। ले देखे पूरे स्कूल में एक टीचर है, अपने बारे में कह रही थी कि गिफ्ट लेकर आना, पागल बना दिया इसने। अरे ये सब छोड़ो, वैसे भी स्कूल की छुट्टी हो गई है, हम भी घर चलते हैं और कल के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है? चल बड़ी, चल छोटी, चल। हाँ चलो चलते हैं, चल पतले आ जा, चल मोटे। अरे वाह बच्चों, कितना सुंदर डेकोरेट किया है तुमने फेयरवेल के लिए। अच्छा चलो वो जो तुमने रैंप वॉक प्रिपेयर की थी ना, वो करके दिखाओ मुझे। ओके मैम। अनुष्का हाय। हाय।
क्या तुम मेरे साथ डांस करने चलोगी? अभी चल चीनी की बोरी, तेरे साथ मैं डांस करूंगी। तू मेरे ऊपर बैठ गया तो मैं तो और भी चक जाऊंगी। मैं नहीं जा रही। प्लीज चल मत। मैं नहीं जा रही। अरे जाओ, मैं नहीं जा रही। दूर से डांस करूंगा। छे तो क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? वैसे कोई मेरे पास आया तो नहीं है पूछने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डांस कर दूँ। तुम्हारी भी किस्मत चमक जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, आइए। अबे यार, सब तो एक दूसरे से सेट हो गए, मेरे पास तो कोई बचा ही नहीं। हाँ, मेरे पास तो बोनस है, मैम के पास जाता हूँ। मैडम जी, चलोगे मेरे साथ डांस पे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, श्योर। ओके। बाहू में चलियो। हे इनो से पारा चले, इच्छा लगी है नू से बारा चले। अरे नहीं रे, डांस करने के लिए बोल रहा हूँ। तेरे साथ अभी जा रहे झंडो। अरे यार, कोई और लड़की मेरे साथ चल ही नहीं रहा है। ठीक है, 500 रुपए लगेगा। 500 रुपए? ठीक है, 200 अभी लेना, 200 डांस के बाद, और 100 रुपए छोले भटूरे खाएंगे। ठीक है, चलो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना, और मुझे प्यार ऐसे ही करते रहना। जल्दी मिलती हूँ एक प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली, बाय।